हेलो जी, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप? से स्वागत है आप सभी का रवि पाल ब्लॉग्स में। ले करते अपने वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो मॉर्निंग टाइम है, अभी हम आ चुके थे बालाजी से, 2 दिन हो गए हमें आए हुए और वीडियो शूट नहीं की क्योंकि अर्णिका की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरी भी तबीयत ख़राब थी क्योंकि हमें हो रहा था दोनों माँ बेटी को बुखार, खांसी, जुकाम। तो आज थोड़ी सी राहत है सभी को, अर्णिका को भी और मुझे भी। अर्णिका की तो ज़्यादा ही तबीयत खराब थी, हम तो अपना सारा दुख भूल गए थे। और अभी इधर जो है मुझे डालने हैं गद्दे, ये फोल्डिंग जो है वो भी दीदी ने उतार के यहाँ पे डलवा ली छत पे से। बोल रही थी यहीं लेटा करेंगे, अब गर्मी आने लग रही है, हम यहाँ लेते हैं। और कोई नहीं जी, चलो फिर चढ़ा लेंगे गर्मियों में। और मम्मी अभी यहीं पर खड़ी हुई है, अर्णिका जो है अभी सो रही है इधर। काम जो है हमारा अभी कुछ नहीं हुआ है, पहले होता है नाश्ते वास्ते का काम और फिर होता है दवाई का काम। तो पहले इधर का काम करेंगे, गद्दा डाल लेंगे, फिर उस पर चादर डाल लेंगे और फिर जो है अपना काम करेंगे, इधर की साफ सफाई करके फिर दूसरे वाले कमरे में करेंगे काम। तो चलिए जी, अभी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। अर्णिका के पापा अभी अपनी ड्यूटी गए हुए हैं और पापा खेत में गए हुए हैं क्योंकि पॉपुलर की पौधे वगैरह लगा रहे थे ना, ये उनमें पानी वानी देना है सब चीज़ें। और चाचा जी अभी नीचे हैं क्योंकि मैं गाय के पास रहते हैं, गाय वाय का जो है पानी वानी पिलाना ये सब चीज़ें। तो पहले अपना एक काम करेंगे, फिर बनाएंगे दोपहर का खाना। नाश्ता जो है हमने कर लिया है सभी ने। तो देखिए गाइस, अभी हम आ गए हैं छत पे और हल्की सी निकल चुकी है धूप। ये देखो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हल्की हल्की सी धूप निकल गई। और अभी खाना खाने के बाद, दोपहर का लंच करने के बाद आ गए हैं छत पे। सोचा कि थोड़ी सी देर धूप लेके आते हैं, कितने दिन हो गए धूप लिए भी। और हमारा धनिया देखो कितना अच्छा हो रहा, फिलहाल एक बार को तो सूख गया था, ये छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं ना, ये धनिया हमने दोबारा डाला था इस पर। और बालाजी से आने के बाद ना इतनी तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा हमारी, अर्णिका की तो इतनी ज़्यादा तबीयत थी, दस्त, उल्टी और जी बुखार, पूरी रात ठंडे पैर रहे, हाथ पैर ठंडे, हमें ऐसा हो गया था कि रात को लेके जाना पड़ेगा। और उधर से आए थे ना जब, हम जब उसे दवाई दिलवा के लेके आए थे, तो बस अभी थोड़ा सा रात से मिल ली धूप में लेट के, वरना कमरे में तो इतनी ठंड हो रही, नीचे बहुत ज़्यादा। अर्णिका को बोला कि चलो छत पे चल रहे, धूप में रुके, मेरी जा रही फिर नीचे, पापा उसे गली में लेके खड़े धूप में, वहाँ पे बैठे कुर्सी डाल के, गली में आती है ना धूप बहुत अच्छी, तो वहाँ पे बैठे हैं। ऊपर तो हवा सी भी लग रही, नीचे तो इतनी हवा भी लग रही होगी। तो धनिया वैसे काटने लायक हो गया, सब्जी निकाल लेंगे एक दो बार और जी फिर पानी वानी डाल के हो जाएगा सही, बहुत अच्छा हो गया। इसके पापा ने डाल दिया था दोबारा से, फिर ये भी हो जाएगा 10-15 दिन में अभी बड़ा। अभी जो हम कान्हा जी को लेके आए थे, कान्हा जी हमारे साथ आए थे, ये रहे हमारे ठाकुर जी। और अभी माखन खिलाया था इन पे, माखन का भोग लगा हुआ है चेहरे पे देखो। और इसे नहला दिए थे सुबह ही, ये टोकरियाँ इनमें बिठा रखे, नीचे डाल रखा गर्म कपड़ा, नया स्टॉल है बारीक सा, तो है तो गर्म ही लेकिन इसमें डाल रखा कपड़ा। और एक कंबली निकाल ली है इन्हें उड़ाने के लिए रात को। ये देखो ठाकुर जी के आप भी दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी के। सब ये बोल रहे कि वंदना तो बिल्कुल अपने जैसे ले आई, गोल से मुंह के बड़े बड़े से, इसके पापा ने कह रहे कितने सुंदर लग रहे हैं, इन्हें तो निहारते चले जाओ बस ऐसे ही, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है देखो। ये ड्रेस लेके आए थे हम इनकी गड्डी से, और वो कंबली है ना वो अर्णिका की नई कंबली थी, अब तक आज तक हमने यूज नहीं की थी, तो हमने रात को सुलाने के लिए इन्हें ये निकाल ली। रात को सुलावा है ना, एक कंबली है वो काफ़ी बड़ी, तो इसमें सुला दिया रात को इन्हें। अभी मम्मी जो है सो रही है, अर्णिका नीचे गई हुई है, मैं छत पे बैठी थी, धूप में थोड़ी राहत मिली आज वहाँ पे, वरना गला जाम हो रहा और जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रही। तो अभी 3 बज चुके हैं, चाय वाय पूछते हैं, जो चाय पिएगा तो चाय बना देंगे। अभी शाम का टाइम हुआ है, 5 बज चुके हैं और अर्णिका के पापा आ गए हैं, इसे चाहिए आज चाय। चाय अभी तो दी थी बेटा मन ने, कान्हा जी वाली दी थी आपको। नहीं अभी आ रही बन के, ठीक है बहुत चाय पीने वाली बन, साग बनना साग साग दाजी चल रही, दाजी तो अभी जो है साग बनने लग रहा है, तो मम्मी जो है अभी बना रही है साग इधर। तो हंडी में जो है घोटते हैं क्योंकि मिक्सी वाला इतना अच्छा नहीं लगता, और जी हंडी वाला थोड़ा बढ़िया लगे। तो आज ठंड है, चूल्हा भी जला लिया है और
साग भी बना लिया है। और मैं पहन रही थी राधे राधे वाले कड़े, और ये भी समझ गए, देखो कितने सुंदर कड़े थे, बहुत अच्छे, बहुत जी सा दुख है एकदम। एक रह गया, और फिर इसमें अदरक और जी आलन वगैरह डाला जाएगा साग में। अभी लिया था ना शाम का टाइम, आ रहा सब्जी वाला में, हाँ सुबह को भी, कल को है एकादशी, खिचड़ी भी नहीं बना सकते हैं, वरना साग खिचड़ी सही रहे। पानी धुला गया, एकदम अच्छा हो रहा, सूर्य देवता छिपने लग रहे, इधर रेड रेड दिखाई दे रहा, क्योंकि आज ना कितने दिनों बाद निकली है धूप, और देखो ऊपर आसमान भी बहुत अच्छा हो रहा है एकदम से, बहुत बढ़िया वाला, इधर स्काई ब्लू और इधर थोड़ा वाइट वाइट सा। अरनी का अभी अपने पापा के पास है अंदर, उसकी है तबीयत खराब, दोनों बाप बेटी इधर जो है मूंगफली खा रहे थे ना, मूंगफली खा रहे थे और अपू हीटा देखा है बस सारा दिन, ये तो देखो खेल खत्म हो गया, इधर आ जाओ हैं, कान्हा अभी पूजा में बैठे क्योंकि हमने की थी पूजा, थोड़ा सा जल्दी कर ली, और कान्हा की ड्रेस बना रही मैं एक, और हमने कान्हा जी की एक ड्रेस लेके आए थे, तो दूसरे वाली तो हमने एक तो बना के पहना दी, और एक और बना के पहना रहे ना, देखो कि ये वाली बना रही मैं चकोर, मम्मी कह रही कि बस तू बना रही तो तू ही बना ले, क्योंकि एक हाथ चलता रहेगा तो अच्छी लगेगी, और ये हमारे कान्हा जी का ना काफ़ी बड़ी ड्रेस आया है देखो, ये वाली तो थोड़ी सी बस अभी तो इसे जो है बड़ा बनाना घेर इसका, वरना और तो वैसे तो तैयार हो रही है, गला भी बन गया और बाजू बन गई, ये रही। और एक ड्रेस और दिखाते हैं आपको जो हमने बनाई थी, तो एक ड्रेस हमने अपने लड्डू की ये बनाई थी, ये देखो, और जी ये वाली तो हमने पहना दी उन्हें एक बार बना के, बनी तो ऐसी, और जी पिंक है और येलो, और ये वाली बनने लग रही है अभी, एक में पहन रहे जो हम रेडीमेड लेके आए थे। ये भी चाहिए, मुझे चाहिए है, क्या कह रही आज तो भाई बाप की जरूरत पड़ गई भाई, इल्ली मुनाजर की है ज्यादा हालत खराब है। हाँ बाज खत्म, नहीं लगाओ रख आ रही है अभी बाप, हाँ जुकाम ठीक हो जाएगा। हेलो जी, जय श्री राम, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो अभी मॉर्निंग टाइम है, नाश्ता हमारा हो गया है, दिन है आज संडे और आज है एकादशी, तो आज है हमारा वक्त। अन्निका के पापा यहाँ पे कर रहे हैं अपना काम जो अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि कागज वागज है ना थोड़े से ना करे। ओ देखो संतरा खारी सुबह सुबह, हटियो ये मम्मी निकाल दे जूस, देखो मेरी जूस निकाल के पिम्मी इसका संतरे का है जूस है, चलो संतरे का जूस निकाल लेंगे आज। अच्छा सभी को राम राम कर दो। हाँ हेलो बोलियो, करियो हेलो, तो बोल लो, बोल दो, चल जूस ही बना के दूंगी, चकुंदर रखे दो और जी गाजर का और संतरे का, सारी चीजों का देखो हाथ जोड़ो तमाम करो। नहीं नहीं स्कूल में खून जा रहा है पापा, सब मुझे भी पापा बतावे, अपने पापा को पापा और मम्मी को पापा। हाँ पापा जानबूझ के। और जी अभी कान्हा जी को जो है हमने नहला के बैठा दिया है, भोग भी जो है लगा दिया है रे हमारे ठाकुर जी, और सुबह ही दही के साथ और माखन के साथ जो है भोग लगता है, तो चाय वाय भी हमने पिला दी थी। ये रही बांसुरी, थोड़ा सा घूम रही है ऐसे, ये देखो, और सुबह ही नहला दिए थे इन्हें, ड्रेस जो है आज दूसरी पहनाई है, और जो अंची बना रहे ना वो पूरी हो जाएगी जब उन्हें मैं वाली पहना देंगे, और मार्केट जाना हो तो और लेते आएंगे ऊन एक दो उसकी ड्रेस की। ये और कलर की कहाँ से जाना, मम्मी पास जाना, किधर जाना, इधर जाना, ऊपर को तो देखो, ऊपर को देखियो, राम राम करो, चलो नीचे नहीं उतरना, ठंड हो रही, नहीं नहीं बेटा नीचे नहीं उतरना, नीचे चालू। तो देखिए गाइस अभी जो है कल को राम जन्मोत्सव है, तो
यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं बर्फी। तो कल के लिए जो भोग लगाएंगे बर्फी का लगाएंगे, तो सोचे घर बना के पहले अपने तो जब ही लगाएं। तो कल को रामलला का जन्मोत्सव है ना, तो इसी वजह से मिठाइयाँ जो है बाहर से लाएंगे तो इतनी अच्छी नहीं मिल पाने की, आप तक अब की बनी रखी होगी, अपने घर पे ही बनाएंगे मावे की बर्फी। तो कल 22 तारीख है ना, तो देखो पहले इसका मावा सा निकाला जाएगा और फिर इसमें चीनी डाल के इसकी बर्फी जमाई जाएगी। तो अभी यहाँ पे जो है मम्मी इसमें डाल देगी चीनी, तो इसमें डाल देगी मम्मी अभी चीनी। और तो यहाँ पे कम से कम 1 किलो चीनी डाल लेंगे मम्मी इसमें कम। हाँ बस बस, ज़्यादा मीठी तो फिर अच्छी नहीं लगती है, नेचुरल तो वही है। तो पशु बोल रहे ज़्यादा ही, इनका घास का टाइम हो जाए 12-1 बजे तो ही बोलना शुरू कर दें। तो बस इसे ऐसे ही चलाते रहेगी और फिर इसमें जब ये जमनी शुरू हो जाएगी इसे उतार के फिर जमा लेंगे।